चुलेशन टू मासूम एंड माया पाठक द फिल्म इज एम श्योर हैज़ टू बी गुड ध्वन इज़ अ ब्यूटीफुल नेम एंड आई एम श्योर इन दिस 20 मिनट्स यू गोटो सी समथिंग वेरी यूनिक एक्स्ट्रॉडनरी एंड आउट ऑफ द बॉक्स एंड दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू देखिए मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मासूम सिंह जो है वो एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन का स्टूडेंट है और उसने पहले भी देश को ये बता दिया है कि ट्रेनिंग कितनी काम आती है इसकी पहली दो फिल्में बहुत अच्छी गई, जिसमें इसने अच्छा नाम कमाया है ये राष्ट्र लेवल के ऊपर अपना एक मकाम हासिल कर चुका है और ऐसी नई सब्जेक्ट को लेकर छोटी फिल्मों में भी काम करने का ये एक नया ट्रेंड है और मुझे बड़ी खुशी है कि इसने आज के इस नए ट्रेंड को अपनाया है और ये फुल लेंथ फीचर फिल्म के पीछे ही नहीं पड़ा रहा और इस फिल्म में काम करके जो इसने एक नया रूप अपने एक्टिंग का जो यहाँ पर दर्शाया है वो अब आप फिल्म देखने के बाद खुद ही बात करेंगे नहीं मैं समझता हूँ बड़ी खुशी की बात है और बूंद बूंद से नदी बने और नदी नदी से सागर एक एक प्रोग्राम एक एक प्रोजेक्ट को जोड़ तोड़ के ही आदमी शोहरत नाम और इज्जत कमाता है और पैसा कमाता है और मैं समझता हूं कि मासूम कितना भी अल्ट्रा मॉडर्न हो लेकिन सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये इसकी जो विचारधारा है वो हिंदुस्तानी कल्चर के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है और इसी तरीके से मिस पाठक जो यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने ज़बरदस्त करतब दिखाया मैं तो कहूँगा इस छोटी इस फिल्म के अंदर तो वो पिक्चर जो है वो देखते ही बनती है नहीं ये तो खुद खुद टेलीविज़न के ऊपर और कई एड्स में और म्यूज़िक वीडियो में छाई हुई हैं और एक चर्चित चेहरा है हिंदुस्तान का ये और इसी तरीके से मैं इनकी भी तारीफ़ करना चाहता हूं कि इन्होंने भी बिल्कुल आ, आ, सोच विचार में कोई अड़चन नहीं डाली जब एक ऐसी छोटी फिल्म करने को मिली और मैं समझता हूं कि आज का जो ज़माना है वो छोटी फिल्मों का है और ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है आ, सबसे ज़्यादा दुनिया में शॉर्ट फिल्म बनाने का नहीं नहीं आप दोनों ही कलाकारों में आप देखिए कितने सुलझे हुए समझदार हैं और जो इस फिल्म इंडस्ट्री के सारे तौर और तरीके हैं उनको ये बड़े खूबसूरत तरीके से जानते हैं दोनों पहले फिल्म टेलीविज़न और मीडिया में काम कर चुके हैं इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि किसी एक्टर को आ, आ, और चाहिए आगे आने के लिए मुझे उम्मीद है कि ये छोटी फिल्म भी जो है वो देश भर और दुनिया भर में हाहाकार मचाएगी और इन दोनों को एक नया मकाम हासिल होगा